विधायक दल की बैठक आरजेडी आवास पर चल रही है, जिसमें तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं। सरकार बने 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने के बाद जो है आज फिर से एक बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तस्वीरें हम आपको द सर्कुलर राबड़ी हाउस के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम आरजेडी के विधायक के सहित जो एमएलसी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। आरजेडी कोटे से जितने मंत्री हैं वे सभी लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक को बुलाया है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बता दें आपको कि बिहार में जो नई सरकार का गठन हुआ है, तो 4 महीने में सरकार किस तरीके से काम कर रही है और विधायकों को क्या समस्या आ रही है, इस मुद्दे पर चर्चा होना है। और साथ ही साथ यह भी है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी एमएलसी का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं, इस तरह की बातें निकल कर सामने आई, और जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी मंच से जो है तंज कसा था और कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे में आज इस बैठक को इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि यह जो बैठक हो रहा है इसमें यह निर्देश दिया जाएगा जो तमाम विधायक वो इस बात का ख्याल रखे कि कब कहाँ क्या कुछ बोलना है, चाहे एमएलसी हो या विधायक हो या अन्य कोई जो मंत्री हो, क्योंकि पार्टी ने जो प्रवक्ता है वो अधिकृत कर रखा है बोलने के लिए, लेकिन अगर कोई इस तरीके से बातचीत करते हैं और वो बयान सामने आता है तो ये सही बात नहीं है। इस तरह की बातें की जो चर्चा है वो आरजेडी के इस बैठक में हो रही। साथ ही साथ संगठन को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पास कमान आया है, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव को इस बात की छूट दे चुके हैं कि अगर पार्टी का कोई सिंबल बदलना हो या पार्टी में किसी तरह की कोई फेरबदल होनी हो तो उसके लिए तेजस्वी यादव अधिकृत है। और ऐसे में इसी को लेकर जो है यह बैठक चल रहा है। और 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस के अंदर की तस्वीर है, जहां पर जितने भी सीनियर्स लीडर हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। बात करें जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये सभी लोग अंदर में मौजूद हैं और बिहार सरकार के मंत्री आरजेडी कोटे से जो हैं वो भी अंदर में मौजूद हैं। शिक्षा विभाग की बात करें या अन्य विभागों की, तो सभी लोग अंदर मौजूद हैं। किस विभाग में किस तरीके का दिक्कत आ रहा है, क्या विधायक सरकार में आने के बाद क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या परफॉर्मेंस है, ये कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई है। बड़ी बात यह है कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था उस वक्त सभी दलों की बैठक अलग से हुई थी, जेडीयू ने भी अलग से बैठक किया था, लेकिन आरजेडी ने उस वक्त बैठक नहीं किया और उसके बाद अब आरजेडी बैठक कर रही है। सुरेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय बुलाया है, जो हमारे और पार्टी के संगठन के बारे में मीटिंग, और इसके बाद में अपने अपने क्षेत्र में जाकर संगठन को मजबूत करने के लिए कहा जाए, इसलिए पार्टी की मीटिंग बुलाया गया। शेष अभी जो होगा हम निकलेंगे तो हमसे पूछ लिए तो आपको सर भी चर्चा होगी। 2025 में यादों के नेतृत्व में अब इस पर क्या चर्चा होगा, जो होगा तो आगे बढ़ा।